चलिए बोला जाए वो बता दिया जाए वो ठीक क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सपोज द एलिमेंट एक्स एंड वाई कंबाइन टू तो द फॉर्म ऑफ कंपाउंड टू एंड एक्स थ्री वाई टू वेन वन मोल पॉइंट वन मोल आप एक्स वाई टू वेट आप टेन ग्राम एंड ज़ीरो पॉइंट फाइव मोल ऑफ एक्स थ्री वाई थ्री वेट नाइन ग्राम दटामिक वेट ऑफ एक्स एंड वाई तो ऐसे कंडीशन में यहाँ आप पर आपको ये समझना है कि दो एलिमेंट दिए गए हैं इन दोनों एलिमेंटों का जो है आपका क्या क्या दे दिया है मोल दे दिया है वेट भी दे दिया है और पूछ रहा है कि कितना आपका वो होना चाहिए हुँ। तो इसमें लिखिए थोड़ा सपोज़ ईजी है थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है सपोज एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट यक्स यक्स एंड and a second element and a second element weightage y weightage y then then x y2 <coughs> then x y2 एंड एक्स थ्री वाई थ्री एक्स थ्री वाई थ्री देखिए जी इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका दो एलिमेंट है पहला आपका एक वाई टू है और दूसरा आपका एक थ्री एंड वाई थ्री है ठीक है ये आपके दो ऐसे एलिमेंट हैं इन दो एलिमेंटों का जो एटॉमिक मोल में वेट कितना दे रहा है दोनों का वेट एक है जीरो पॉइंट जीरो वन है हाँ? जीरो वन हैली वन है आएगी जीरो है जीरो पॉइंट फाइव यही है यहाँ पर पॉइंट यहाँ पॉइंट बा जीरो है देख लीजिएगा यहाँ पॉइंट बा जीरो है पहला सपोज द एलिमेंट एक्स एंड वाई कम्बाइंड टू द टू कम्पाउंड एक्स वाई टू एंड एक्स वाई थ्री इन विच पॉइंट जीरो वन इतना दिया हुआ है जीरो वन उसके बाद जीरो पॉइंट फाइव है ठीक है और इनका जो है एक आपका नाइन है और एक कितना आपका टेन ग्राम है ये आपका ज़ीरो पॉइंट फाइव है ये जीरो पॉइंट फाइव पे ये ओनली आपका पॉइंट वन है क्वेश्चन में एक आ जा रहा है कि ऐसे दो तत्व हैं तत्वों का नाम यहाँ पे नहीं दे रखा है यहाँ पे नाम रखा है एक्स एंड वाई टू ऐसे जिनका वेट जो है मोल में आपका जीरो पॉइंट वन ठीक है जीरो पॉइंट जीरो फाइव मोल ही है ठीक है आ इन दोनों का जो है रियल्टी मोल वेट है वो जो है वेट यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहला आपका दस है और दूसरा कितना आपका नाइन है ठीक है ग्राम में ठीके? तो आप ये सपोज कीजिए देखिए दो एलिमेंट है तो पहला एक्स सपोज कर लिया गया है दूसरा क्या सपोज किया गया है ये वाई टू है ना तो टू वन टू इसमें ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं टू वाई ठीक टू वाई इक्वल टू इक्वल टू कुल कितना दिया है यहाँ पे टेन ग्राम ठीक है आप पाले वाले, वाले की कंडीशन कितना आपका यहाँ पे जीरो पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्यों कि आप ये जानते हो ना किसी भी एलिमेंट का हम निकालते हैं तो वेट अपान ठीक है मोल ऑफ वेट होता है यानी उसकी कितनी आ रही है कैपेसिटी मोल ऑफ जैसे इसको आप अपान करो तो नीचे ही आएगा ना ठीक है तो ऐसे कंडीशन में आपके ये फार्मूला आप जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का निकालते हैं तो वेट अपान मोल वेट कर लेते हैं निकालने के लिए तो आप क्या कीजिए यहाँ से इसको यहाँ से डिवाइड कर दीजिए यानी x प्लस टू वाई इक्वल टू टेन बाई ज़ीरो पॉइंट वन दस से मल्टीप्लाई कर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए टेन बाई टेन तो कितना यहाँ हो जाएगा दस दाम में सौ और यहाँ पे जीरो पॉइंट वन है इसकी जैसे इसका स्पेंट करेंगे तो इसकी वैल्यूएशन ख़त्म यानी एक प्लस टू आई इक्वल टू हंड्रेड पाला इक्वेशन ठीक है इसी के अकॉर्डिंग जैसे इसमें हम क्रॉस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई एलिमेंट ऑफ द मोल वेट ऑफ सेकेंड इसी तरह सिमिलर सिर्फ इक्वेशन आप उसको जान जाइए जो ऐसे एलिमेंट में दिए रहते हैं ठीक है देखिए हाई थ्री वन जा थ्री हो जाएगा थ्री एक्स यहाँ पे वाई टू थोड़ा ध्यान देना चाहिए आप लोग को प्लस टू आई जैसे ये तीन यहाँ पे आ इसको प्लस का टू आई इक्वल टू यहाँ पर कितना मोल दिया हुआ है जीरो पॉइंट ये नाइन वाला नाइन आ इसकी मल्टीप्लाई कितना रहेगा ज़ीरो पॉइंट फाइव से ठीक है जीरो पॉइंट फाइव से इससे भी डिवाइड कर दीजिए जैसे इसमें डिवाइड किए हुए हैं तो यहाँ डिवाइड कर दीजिए कितना आएगा पास थ्री एक्स प्लस टू नाइन अपान जीरो पॉइंट फाइव तो यहाँ पर भी टेन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना 90 आ जाएगा ये नब्बे पाँच जीरो मतलब फाइव पॉइंट जीरो तो ये कट जाएगा पाँच एक कम पाँच हाँ बचा चार पाँच चालीस <coughs> नहीं अठारह पच्चीस नब्बे राइट यानी <coughs> थ्री एक्स प्लस टू आई इक्वल टू आपका एट्टीन इक्वेशन नंबर टू देखिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है एक्स प्लस टू आई थ्री एक्स माइनस टू आई तो इस इक्वेशन में से इसको हम माइनस कर दें ठीक है फ्राम ठीक है यहाँ से वन में से हम या टू में से टू में से वन को हम माइनस कर देते हैं फ्राम इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन लिख दीजिएगा ठीक है तो माइनस जब करेंगे हम लोग तो देखेंगे आप कितना आ जा रहा है थ्री एक्स प्लस टू आई लेफ्ट का लेफ्ट में लिखते हैं राइट का राइट में देखिए इतना ये हो गया अब इसको लिखते हैं माइनस एक माइनस टू वाई यहाँ माइनस पासिंग करेगा क्योंकि ये माइनस है तीन लगा ना हाई वाला माइनस तो इसको भी माइनस कर देगा इसको भी माइनस करेगा दोनों प्लस सही है आप कितना आपका अट्ठारह ठीक है अट्ठारह माइनस इतना हो जाएगा क्लियर तब देखिए हाई एक्स यहाँ से एक एक्स इसमें कट जाएगा टू एक्स हो जाएगा आइए ये टू बाई टू आई कैंसिल ठीक है अब इसमें से माइनस के दीजिए यानी टेन में से एट जा आपका कितना आएगा आपका टू और यहाँ पे नाइन नाइन में से वन 8, ठीक है अब इससे टू से डिवाइड कर दीजिए एक्स इक्वल टू माइनस एटी टू बाई टू तो टू फोर जा ठीक है टू यहाँ पे टू वन जा टू यानी माइनस इकतालीस हाँ अब इसका है किसी एक में रख देते हैं पुटिंग इन पुटिंग इन वन में कर दिया जाए कितना आएगा आपका देखिए यहाँ पे माइनस इकतालीस प्लस टू आई इक्वल टू हंड्रेड इसको इधर ले लीजिए यानी टू आई इक्वल टू हंड्रेड प्लस फोर्टी वन तो वन हंड्रेड फोर्टी वन वाई टू से डिवाइड कर लीजिए ठीक है कट कर लीजिए यही आपका आंसर हो जाएगा बस यही ध्यान में देना है एक्स प्लस टू वाई और वहाँ पे थ्री एक्स प्लस टू वाई इसके कारण एलिमेंट ऑफ वेट अपॉन मोल ऑफ वेट बड़ी लॉजिकली बात कि, किया गया है कि सपोज कीजिए यदि हम कोई बॉडी लेते हैं उस बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं दो पॉइंट समझना है ये बॉडी है इस बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं बल लगाते हैं तो इसके यदि ये ऐसे बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं इस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो इसके अगेंस्ट में जो फोर्स लगता है उसको हम आर कहते हैं ठीक है आर इज़ द नॉर्मल फोर्स नॉर्मल फोर्स तो ये नॉर्मल फोर्स है यानी प्रतिक्रिया बल है प्रतिक्रिया बल तो अब यहाँ पर आपको ये समझना है क्रिया बल लगता है तो ये फोर्स इस पर है हम इस पर जो है फोर्स लगा रहे हैं तो इसके अगेंस्ट में नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है तो आपका जो कॉन्सेप्ट लेके चलना है वो कॉन्सेप्ट अभी इससे थोड़ा हट के आपको ये बताया गया पहला कंडीशन पे, या तो ये गुरुत्वी बल है ग्रेविटी फोर्स काम करे या मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स काम करे ये दो चीज़ हैं दो कॉन्सेप्टों में ग्रेविटी फोर्स काम करे अदरवाइज मैग्नेटिक फोर्स काम करे लेकिन ये कैसे काम करते हैं ये चीज़ें आपको यहाँ पे पहले समझना रहे तो आप इसको ये समझिए यदि ये मास आपका मास है एक और भी कोई हम बॉडी ले लेते हैं इस पर भी मास है यह मास आपका एम टू है दिस इज द मास एम ओन यदि इस तरह से सिंपल में एक बॉडी के लिए उसके अगेंस्ट में काम करता है तो जैसा कि आप घर्षण में पड़ चुके हैं इन सब चीज़ों को तो अब ऐसे में यहाँ पर यह देखा जाए कि यदि हम फोर्स काम के लिए चलते हैं तो पहला कंडीशन आपका योगा ये होगा यफ इज द डायरेक्टली यफ इज अ डायरेक्टली पपोशनल ऑफ एम ऑन एंड एम टू मतलब पहला जो पहला द्रब्यमान अवस्थ के दूसरे द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्र होगा अनुक्रमानुपाती होगा ठीक है अनुक्रमानुपाती होगा और इसकी जो डिस्टेंस होगा सपोज कीजिए मास को हम इस तरह से जनरली यदि लेना यहाँ पे कोई मास रख लेते हैं यही मास, अब बीस की डिस्टेंस लेके यहाँ पे कोई मास रख लेते हैं इनकी बीस की डिस्टेंस क्या होगी आर होगा आर होगा तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि यफ इज ए डायरेक्टली पपोर्सनल ऑफ एम वन एंड एम टू यानी मासिज के डायरेक्टली पपोर्सनल होते हैं तो डिस्टेंस क्या होंगे वन बाई डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर इज इस द यूनिवर्सली पपोर्सनल ए फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन तो जब ये दूरी के वर्ग के ब्यूतक मनुपाती होंगे ऐसे कंडीशन पर यहाँ पर आपका ये दोनों इक्वेशन सेम मतलब यफ एफ, एफ सेम तो एक लिख के इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आपका आ जाएगा ये फ्रॉम वन एंड टू एफ इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम वन एंड एम टू अपन आर स्क्वायर ठीक है अब यहाँ पर आर स्क्वायर हो जा रहा है तो अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम वन एंड एम टू तो इसको हम डायरेक्टली पपोशनल हटाकर यह इक्वल लगाते हैं इन टू जी एम वन एम टू आर स्क्वायर ठीक है तो यही चीज आपका जो आ रहा है वेयर जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण कर बल काम कर रहा है ठीक है तो गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है तो वही ग्रेविटी फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण में ये जो जी है ये जी इसके सापेक्ष में जो इस्माल जी आपका आता है इसका रिलेशन चलता है जी इक्वल टू जी एम मी अपान आर स्क्वायर ये रिलेशन हो जाता है ठीक है तो यही रीज़न है कि यदि कोई बॉडी चाहे ऊपर की ओर चाहे ऐसे सरफेस पे हम काम करते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो इसकी घुरतवी है यानी किसी वस्तु पे बाहरी बल लगाएं तो उसके गति का विरोध करती है इफ़ हम फोर्सिंग डैट यानी ऑफ द फिक्स बॉडी टू डेट अगेंस्ट ऑफ द फोर्सिंग तो उस पर अगेंस्ट यानी उसके विरोध में हमारा कोई बल कार्य करता है वो विरोध में बल कार्य करता है तो इसको हम आर नाम दे देते हैं घुरुत् उसमें घर्षण में लेकिन इसमें जब आते हैं तो ग्रेविटी के रूप में देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के रूप में देते हैं देखते हैं दूसरा कंडीशन आप समझें दूसरा कंडीशन ये कहा जा रहा है कि सपोज़ कीजिए नहीं मैं तल पे लेता हूँ कौन सा तल एक ऐसे तल लेता हूँ आनंद तल ऐसे कह लो आप जो सरफेस प्लेन के लिए यहाँ पर ऐसे यहाँ पर एक कोई बॉडी रखा ये कोई बॉडी रखा इस बॉडी पे ऐसे ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो हमारा काम करता है फोर्स हमारा एम होता है एम जी ठीक है ये नीचे आपका ये आपका काम करता है ये यही ये आपका काम करता है ये कोई ऐसे कोई बॉडी है यहाँ पर जो है यह प्लेन है इस प्लेन पे जो है मैं कोई मास रखता हूँ मतलब कोई ऐसा बॉडी रखता हूँ जिसका मास आपका यह है तो उस पर जो फोर्स हमारा होगा यानी नीचे की ओर जो काम करेगा फोर्स काम करेगा उस फोर्स में ये जी क्या होगा ग्रेविटी होगा जैसे कि यहाँ पर हमने देखा जी होगा ग्रेविटी होगा तो इनके दो कंपोनेंट हो रहे हैं दो कंपोनेंट में यह देखा जाएगा कि आपका आर साइन थीटा एंड आर थीटा और आर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी यही आर की वैल्यू में आता है आपका आर इक्वल टू यम जी आर इक्वल टू यम जी आर क्या है प्रतिक्रिया बल है नॉर्मल फोर्स है अगेंस्ट द फोर्स है तो आर इक्वल टू एम जी तो बताइए आर की वैल्यू यदि इसमें पुट कर दें आप क्या हो जाएगा एम जी साइन टीटा एंड एम जी कास्टिटा यही दो इनके घटक होंगे इन्हीं इन्हीं के दो घटक होंगे जब इन दोनों के ये घटक होंगे तो कंडीशन आपका ये बताया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि ऐसे में यदि कोई बॉडी यदि रन में है चल रही है तो उसके अगेंस्ट में जैसे हम काम करते हैं तो यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट आ गया है इनर्सिया जड़त्व इनर्सिया जड़त्व हुए यानी किसी बॉडी को रोकने के लिए यदि अगेस्ट में हम किसके काम कर रहे हैं चाहे ग्रेविटी के रूप में देख रहे हैं चाहे मैग्नेटिक के रूप में देख रहे हैं यानी चाहे बल में के रूप में देख रहे हैं चाहे चुंबकीय बल के रूप में देख रहे हैं यदि उसको रोकने का कार्य करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमारी वो इनर्सिया उत्पन्न हो जाता है इनर्सिया जिसको नाम देते हैं यानी जो स्टॉप करने का काम करता है ये नहीं है कि तुरंत आप स्टॉप हो जाते हैं ऐसा तो होता नहीं है भाई समथिंग कुछ एक पॉइंट लेते हैं ना बहुत स्पीड से चलना तो ब्रेक लिए तो कुछ रुकेंगे कुछ दूरी चलेंगे फिर रुकेंगे फिर चलेंगे फिर रुकेंगे तो ये जो रुकने की प्रोसेस होता है यानी बल लग रहा उस बल को रोकने के विरोध में जो हम यूज करते हैं उसको इनर्सिया कहते हैं इनर्सिया डिनोटेड बाई द आई ऐसे कंडीशन पे तो ये पूरे आपके कॉन्सेप्ट हैं ठीक है थीके? मोशन ऑफ लॉ में कैसे ग्रेविटी वर्क करता है और कैसे मैग्नेटिक वर्क करता है ठीक है मैग्नेटिक मेसेंस में क्या एक मैग्नेटिक मैग्नेटिक में जो डायनोमो है सपोज कर लीजिए हम लाइट उत्पन्न करते हैं ठीक है तो उसको रोकने का कार्य करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स में आ जाता है ठीक है तो एज ए पहले जनरली नोट कर लीजिए फिर आपको और बताते हैं वहाँ पर यही गैलीलियो के माध्यम से जो है जो अरस्तु हैं गैलीलियो के माध्यम से जो अरस्तु हैं इन्होंने पेड़कल पेडकल किया पेड़कल किया वैसे जनरली इनको मालूम हो गया था कि यदि ये कोई तीर है ये तीर है तो इस तीर को जैसे हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लगाया जाता है फोर्स लगा रहे हैं इसमें तो ये फोर्स लगा रहे हैं तो इस फोर्स के माध्यम से इस फोर्स के माध्यम से यदि इसको हमें मोशन में ऑलरेडी रखना है मतलब इस पर मोशन में रखना है तो इस पर कॉन्टिन्यू हमारा फोर्स होना चाहिए बराबर फोर्स होना चाहिए क्यों ये बताया गया कि ये हवा में है ना एयर में है तो हवा भी तो इसका विरोध कर रही है आप साइकिल चलाते हैं जनरली गर्मियों मौसम में हवा बहता है तो आप उसके अगेंस्ट काम करते हैं नहीं तो हवा आपको रोक देती है आप उसके अगेंस्ट में फोर्स ना यानी बहुत ज़्यादा फोर्स ना लगाएं तो आपको ठेल देती है ठीक है तो यानी कॉन्सेप्ट ये क्या समझ में आ रहा कि यदि वो उन्होंने ये प्रैक्टिकल किया देखा कि एक बेसिक एग्जाम्पल लेके कि एक हम तीर लेते हैं उस तीर को यदि गतिशील हम बनाए रखते हैं गतिशील यानी मोशन में चाहिए हमें कि मोशन हमेशा इसका बना रहे ऑलवेज मोशन आलवेज मोशन कॉन्टिन्यू इसका रहे है। तो जब ये कॉन्टिन्यू रहेगा इसके लिए हमें फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी जब फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी तो यफ इक्वल टू हमने पढ़ा कि य फल टू क्या था यम एम यम ए चाहे एम जी इसको जी भी बोल सकते हैं तो एफ इक्वल टू यम में तो मास तो वही है ठीक है एक्सल्रेशन हमारा काम कर रहा है तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पर जो हमारे मास होंगे यम में होंगे ये इसी तरह आपका यम ए यहाँ पर भी आपका यम ए डैट मीन्स ये आपके सब जितने इक्वेशन बन रहे हैं जितना भी आएगा इन सभी का जो है योग होता सम ऑफ सम ऑफ़ फोर्सेज इज इक्वल ऑफ इज इक्वल ऑफ कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यूस फोर्सेज यानी लगातार जो फोर्स हमारे बढ़ रहे हैं वो फोर्स क्या होंगे यहाँ पर देखा जाए तो F इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस डाट डाट ठीक है तो कंडीशन क्या आएगा F इक्वल टू यन एफ या आप ये हमारे फोर्स लगातार चाहिए एन एफ इक्वल टू आप इक्वल एन ऑफ फोर्स यानी इस फोर्स को इस तीर को बनाए रखना है कि हमेशा गतिशील में चाहिए हम गतिशील में तो हमें एक जो है हमेशा फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी यानी इसीलिए मैं लगा दिया हूँ क्योंकि नंबर आप पहला फोर्स है दूसरा फोर्स है तीसरा फोर्स है इसको और आगे बढ़ाए रखना तो चौथा फोर्स चाहिए पचवा फोर्स चाहिए ऐसे फोर्स चाहिए कहीं ना कहीं फोर्स तो इंड होगा ना हम फोर्स लगाए ये यहाँ तक आया अब यहाँ पे हमारा फोर्स खत्म होगा अब यहाँ से एक नया फोर्स होगा फिर एक नया फोर्स हो जाएगा डेट मीन्स यहाँ पर रस्तू ने यही देखा इनके जो पहले सतरवीं सेंचुरी की बातें की जा रही हैं सेंचुरी में जो है सतरवीं शताब्दी में ये सब चीज़ें इन्होंने देखा कि क्या किसी बॉडी पे किसी वस्तु पे यदि हम फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स का जो रिजल्ट आएगा वो कंटिन्यू के साथ होना चाहिए तभी वह कण पार्टिकल्स या कोई भी बॉडी वो लगातार मोशन में गतिशील में अवस्था में रहेगी देखिए लॉ ऑफ इनर्सिया विद द हेल्प ऑफ गैलीलियो कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ इनर्सिया ठीक है इनर्सिया में हम ये देखा जाएगा कि ये जो जड़त्व हैं जड़त्व के जो नियम आएंगे विद द हेल्प ऑफ गैलीलियो गैलीलियो ने कहा कि सपोज करिए आप एक ऐसे बॉडी बनाइए इस बॉडी पर यहाँ पर आप रखिए फोर्स कोई बॉडी रखिए इस बॉडी पर आप फिर यहाँ पर यहाँ पर भी रखिए आप और एक ऐसे प्लेन बना लीजिए तीन कंडीशन उन्होंने चूज किया कहा कि यदि यहाँ पे यह बॉडी है इस बॉडी को हम रखते हैं और इसका एकदम स्वतंत्र रूप से छोड़ते हैं तो ये इधर आएगा भाई इसकी ढलान इधर इधर आएगा तो यहाँ पे इसकी जो है गतिशील क्या आ जाएगी बढ़ जाएगी गतिशील वस्तु हो जाएगी क्योंकि इसमें इसके डायरेक्शन के में है आज जब ये इसका डायरेक्शन इधर रहेगा तो ये क्या होंगी घट जाएंगी मतलब तो ये रुकने का काम करेगा यानी मंदन का, का काम करेगा जड़त्व का, का काम करेगा रुक के आगे बढ़ेगा ठीक है और यही बॉडी यदि इस पर है तो ये स्वतंत्र जिसमें थोड़ा सा आपका फोर्स मिलेगा इधर मिलेगा कि इधर भगेगा इधर मिलेगा भगेगा। तो आपका इधर भगेगा तो इन्होंने ये यही सी चीज़ को लेके गैलीलियो ने बताया है कि लॉ ऑफ इनर्सिया में इन्होंने पहले अफसर प्रथम ये पैटकल किया अभी आपको ये समझना नहीं है कि इक्वेशन कैसे दिए कैसे क्या वना ये नहीं समझना इसमें आपको ये समझना है कि ये तीन तरह के इन्होंने पैटकल किया इस पैटिकल में इन्होंने ये देखा कि बताया आजकल तो ऐसे हम इसको पढ़ लिया था हम लोग हम खुद लोग साइंटिस्ट हो गए वैज्ञानिक हो गए लेकिन इसमें यह कहा जा रहा है कि एक जो है इसे प्लेन है इस प्लेन पर यदि एक वस्तु रख रहे हैं आज स्वतंत्र रूप से इसको छोड़ते हैं तो ये गतिशील जो है आपका इस डायरेक्शन में होगा एक इधर इसके अगेंस्ट में इधर जा रहा है तो इधर आपका जो है हमें फोर्स अधिक लाना पड़ेगा डेटमिश जैसे फोर्स लगाएंगे उतना चलेगा नहीं तो रुक जाएगा या फिर आगे बैक आना शुरू हो जाएगा ठीक है और यदि एकदम प्लेन है इस प्लेन पे यदि रखते हैं तो जिधर फोर्स मिलेगा इधर फोर्स मिलेगा इधर जाएगा इधर फोर्स मिलेगा इधर जाएगा दोनों यानी अगेंस्ट का काम करेगा यहाँ पर अगेंस्ट भी काम कर रहा लेकिन यहाँ पर अगेंस्ट काम करेगा यानी प्रतिरोध प्रतिरोधक बल जो काम करेगा प्रतिरोधक बल काम करेगा यहाँ पर प्रतिरोधक बल बहुत कम काम करेगा क्योंकि इसकी फोर्सेज अधिक रहेगी ग्रेविटी के रीजन में तो यहाँ पर कम करेगा यहाँ पर जो है इसकी फोर्स कम हो जा रहा है और इसका प्रतिरोधक फोर्स यानी घर्षण फोर्स अधिक हो जा रहा है और इसमें क्या है ये दोनों हमारे बल के ऊपर डिपेंड करता है दोनों स्थितियों के बल के ऊपर डिपेंड करता है तो यहाँ पर यदि ये देख लिया जाए इसके यहाँ पर जो रूल बनेंगे अदरवाइज हम यहाँ से देखें ऐसे हम लोग इसको खींच दें ठीक है तो मल ये ऐसे बन के आ रहा ना ऐसे ठीक है तो यहाँ पर आपका जो फार्मूला बनता हमारा कि साइन ठीठा इक्वल टू घटक का निर्माण जो करते हैं ठीक है तो पपेंडी अपान हाइपोटेनस पपिंडी अपन हाइपोटेनस ठीक है तो हाइपोटेनस में ये देखिए ये फोर्स हमारा इधर ही काम कर रहा ना फोर्स हमारा ये काम कर रहा है आप फोर्स इक्वल टू क्या था हमारा एम जी थोड़ा मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं एम जी साइन ठीठा इक्वल टू क्या हो जाएगा पपिंडी यानी ये जो पपिंडी यदि यहाँ पे ऐसे यहाँ से रखा जा रहा है ये बॉडी ये बॉडी को इधर खींच के ले जाने का कार्य करेगा ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा जो घटक बनके आ जाता है वो हमारा एम जी साइन ठीठा हो गया ठीक है इसके विपरीत में अब इस पे आते हैं इस घटक में आएगा थीटा, ठीठा बेसअपन हाइपोटेना ठीक है तो बेस बेसअपन हाइपोटेनस इसमें भी वही चीज रहेगा इक्वल टू जैसे यहाँ पे पढ़ ली हम लोग एम जी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एम जी थीटा इक्वल टू बेस ये चीज़ें ऐसे बढ़ाते जा रहा है बढ़ाते जा रहा है बढ़ाते जा रहा है ठीक है तो यहाँ से हम ये देख रहे थे ऐसे ठीक है तो ये आगे ऐसे बढ़ता जाएगा था बेस के रीजन से मिलता ऐसे देखिए ऐसे बेस के रीजन से मिलता जाएगा यानी ये आपका किस में आ जा रहा है बेस में आ जा रहा है ठीक है तो ये बेस हो जा रहा है तो इस बेस में हमारा ये घटक मिल जा रहा है एम जी कॉस्टिटा तो यहाँ पर ऊपर जो लगता हमारा ये आपका एम जी थीटा लग जाता है अब तीसरा कंडीशन क्या है तीसरा कंडीशन यह है कि एक एम जी साइन डीटा एक एम जी कॉस्ट डीटा और जब ये दोनों की स्थिति इसमें है एक तो इधर जा रहा है एक ऊपर जा रहा है ठीक है और दोनों की यदि एक ही पे लेकर चले हैं तो हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये आगे बढ़ेगा कि ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा तब भी अनुमान लगा जाएगा ये सबसे इसके कंपेरिजन में ये थोड़ा इस इधर लुटकेगा मतलब इन बढ़ जाए गतिशील होगा तो यानी इस पर ऐसे ही समतल प्रेरण ले रहते हैं इस पर भी फोर्स इस पर भी दोनों एक दूसरे का फोर्स जब लगाते हैं तो जनरली ये जो मास है वो मास हमारा काम करे जो मास है वो जी के रिस्पेक्ट में काम करेगा तो डेट मीन्स एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा एम जी यानी ये सीधे सीधे आपका नीचे काम करेगा तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे एम जी कॉस्ट एम जी हो जाएगा यहाँ पे भी आपका एम जी हो जाएगा एम जी जैसे यहाँ पे ये वर्क किया रहा है तो तीनों को जब एक ही में हम लोग बनाते हैं तो सिंपल सा दिमाग लगाते हैं यहाँ पर ऐसे में इधर जो आएगा वो एम जी साइन थीटा और इधर थोड़ा सा ऐसे जो जाएगा इधर का एम जी थीटा आज जो एकदम नीचे काम करेगा वो एम जी होता है ठीक है एम जी साइन mg एम जी MG and एंड एम जी इसको चाहो तो आप आर भी लिखते हैं आर साइन r आर theta ठीक है ये भी विचार चल रहे थे कि कॉन्सेप्ट इन्होंने कैसे दिए होंगे एट द सेवेंटीन सेंचुरी में सत्रहवीं सेंचुरी में बहुत तब से बहुत ज़्यादा विकास हुए बहुत ज़्यादा उसमें ट्रुटियाँ रही उसको सॉल्व लोग किए एन को सुधार किया गया तो ये सत्रहवीं सेंचुरी की बातें पर ये जो लोग विचार कर रहे थे